डी, ठीक है। दो सेकेंड है, टिक टिक वन। इवेल्युएटिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग द क्वालिटीज ऑफ नाउन्स। तो हो जाइए तैयार बनने के लिए ज्यादा समझदार। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एडजेक्टिव से रिलेटेड है, और वो है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। आपने सुना होगा पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज के बारे में, और यहाँ पे हम वही डिस्कशन करने वाले हैं और इसके बारे में समझने वाले हैं। पहले हम देखेंगे डेफिनेशन, उसके बाद देखेंगे सम एग्जाम्पल्स, उसके बाद हम देखेंगे इन्फोटेनमेंट, जहाँ पे मैं बताऊंगा कि कैसे ये रियल लाइफ एप्लीकेशन में यूज होता है और लोग इसको यूज करते हैं। लास्ट में होगा हमारा क्विज और आपको आंसर देना है वहां पे फटाफट, और कमेंट में डाल के बताना है कि कौन सा आंसर सही है। तो करते हैं शुरू हमारे वीडियो को। नाउ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स इन्वॉल्व्स इवेल्युएटिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग द क्वालिटीज ऑफ नाउन्स। यहाँ पे इवेल्युएट करेंगे और कॉन्ट्रास्ट करेंगे, मतलब कि कंपेयर करेंगे बेसिकली कि कौन सा नाउन में जो है क्वालिटीज जो है बेटर है किससे ज्यादा। मतलब दो नाउन की क्वालिटीज होगी, मान लो एक का कलर है रेड और दूसरे का कलर थोड़ा ज्यादा गाढ़ा रेड है ना, डार्कर। तो यहाँ पे कंपैरिजन होगा कलर का, यहाँ पे कंपैरिजन हो सकता है दूसरे क्वालिटीज़ का, जैसे वजन का, जैसे साइज़ का, ठीक है, बिगर, बिगेस्ट, ऐसे करके। तो ये सारी चीज़ें जब होती है ना, वो आता है हमारा कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स के अंदर। और ये टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स है ना, हम शुरू से टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स देखते आ रहे हैं। और ये जो है हमारा टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स है जहाँ पे पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री भी यूज होगा, तो वो चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। दिस इज डन यूजिंग 3 degrees, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव डिग्री के बारे में। ऑफ एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ अ नाउन विदाउट मेकिंग एनी कंपैरिजन। जब हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो वहां पे हम कंपैरिजन नहीं करते हैं, सिंपली बोल देते हैं इट इज द बेस फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव यूज टू स्टेट अ कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्टली। किसी का कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्टली बताना है वहां पे हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। जैसे कि हरी इज ए स्मॉल बॉय, अब यहां पे स्मॉल क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। द वेदर टुडे इज कोल्ड, अब कोल्ड क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, मतलब बता रहा है कि आज का मौसम थोड़ा ठंडा है। शी इज अ टैलेंटेड म्यूजिशियन, ये जो है टैलेंटेड म्यूजिशियन, टैलेंटेड क्या हो गया यहां पे, पॉजिटिव एडजेक्टिव, मतलब सिंपल सिंपल जो गुण है किसी का, है ना, जो विशेषता है। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है हिंदी में, विशेषण, है ना, विशेषण क्या करता है, किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे बता रहा है बॉय के बारे में स्मॉल है, बुक के बारे में इंटरेस्टिंग है, वेदर के बारे में कोल्ड है, और म्यूजिशियन के बारे में कि टैलेंटेड है। तो इस तरीके से हमारा पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज होता है। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा वो है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज यूज टू कंपेयर टू नाउन्स शोइंग दैट वन हैज मोर और लेस ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी देन द अदर। ठीक है, अब ये कंपेरेटिव डिग्री क्या करता है कि दो नाउन्स का क्वालिटी को कंपेयर करता है और बताता है कि एक या तो उससे बेहतर है या तो उससे कम है, कंपेरिजन होता है यहाँ पे। इट इज फॉर्म्ड बाई एडिंग ई आर और मोर, है ना, ई आर लगा दीजिए या मोर बिफोर द एडजेक्टिव। अगर हम एडजेक्टिव के पहले मोर लगा दे या फिर एडजेक्टिव में ई आर लगा दे तो वहां पे हम इसको कंपेरेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं। कैसे करते हैं इसको एग्जाम्पल से देखिए, अली इज स्मॉलर, देखिए ई लग गया स्मॉल के जगह, स्मॉलर देन हरी। अब यहां पे दो नाउन में कंपैरिजन हो गया, अली इज स्मॉलर, अली छोटा है देन हरी, हरी से हाइट में मान लीजिए छोटा है, तो हरी एंड अली ये दो नाउन्स हो गए और इनके बीच में क्वालिटी हो गया कि साइज का क्वालिटी का कंपैरिजन कौन कर रहा है, स्मॉलर वर्ड जो है। अब ये जो स्मॉलर है ना, ये हमारा कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, This chair is more comfortable than the old one. है ना, ये चेयर ज्यादा comfortable है पुराने से। My car is faster than yours. मेरी कार आपसे ज्यादा तेज है, मतलब ज्यादा तेज चलती है। और यहाँ पर भी comparison है speed का, तो speed ज्यादा है मेरी कार की आपसे। यहाँ पर भी comparison हो रहा है दो nouns के बीच में, noun क्या है, कार। The new phone is cheaper than the old one. जो नया फोन है वो cheaper है, सस्ता है than the old वन। तो यहां पर भी हमारा कंपैरिजन हो रहा है। लास्ट जो है डिग्री वो है हमारा सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव कंपेयर्स मोर देन टू नाउन्स। ठीक है, अब पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में कंपैरिजन नहीं हो रहा था, सीधा साधा हम क्वालिटी के बारे में बात कर रहे थे नाउन का। कंपैरेटिव डिग्री में हम दो नाउन्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे थे,
और सुपरलेटिव डिग्री में दो से ज्यादा नाउन्स के बीच में हम कंपेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन ज्यादा बेस्ट है, कौन सबसे अच्छा है या सबसे खराब है। नाउ द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव कंपेयर्स मोर देन टू नाउन्स इंडिकेटिंग विच वन हैज द हाइएस्ट और द लोएस्ट डिग्री ऑफ पर्टिकुलर क्वालिटी। क्वालिटी को कंपेयर करते हैं और बताते हैं कि किसका सबसे हाइएस्ट और किसका सबसे लोएस्ट डिग्री ऑफ पर्टिकुलर क्वालिटी है। इट इज फॉर्म्ड बाई एडिंग ई एस टी, या तो ई एस टी लगा देते हैं हम एडजेक्टिव में, है ना। जैसे फास्ट था कार में, अब फास्टेस्ट मतलब फास्टेस्ट कार हो गया, है ना, मतलब सारे कार में से जितने भी कार है उसमें से सबसे ज्यादा तेज चलने वाली कार। और यूजिंग मोस्ट बिफोर द एडजेक्टिव, जब मोस्ट भी लगा देते हैं ना, जैसे मोस्ट डेंजरस प्लेस मतलब सबसे खतरनाक जगह, है ना, तो इस तरीके से हम कुछ सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। आपको कुछ और एग्जांपल दिखा देता हूँ। रमा इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द थ्री बॉयज। अब यहाँ पे दो से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो बोल रहा है कि रमा इज स्मॉलेस्ट अमंग थ्री बॉयज, मतलब तीनों लड़कों में से सबसे छोटा रमा है। दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग मूवी आई हैव एवर सीन। अब एक्साइटमेंट जो है एक कंपैरिजन हो गया, एक्साइटिंग मूवीज है बहुत सारी, लेकिन ये जो मूवी है जिसके बारे में पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं वो मोस्ट एक्साइटिंग है। शी इज द फास्टेस्ट रनर इन द टीम। अब पूरी टीम है, टीम में हो सकता है 100 लोग हैं, 200 लोग, उसमें से सबसे ज्यादा तेज धावक, सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाली यही है। शी इज द फास्टेस्ट रनर। दिस इज द हाइएस्ट बिल्डिंग इन द सिटी, सबसे लंबी बिल्डिंग है ना। यहाँ पर भी क्वालिटी क्या है, लंबाई, और लंबाई में भी सबसे हाईएस्ट जो बिल्डिंग होगी उसके तरफ इंडिकेट करके बता रहे। तो इस तरीके से हमारा पॉजिटिव कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज होता है। सम एडजेक्टिव्स हैव इरेगुलर कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स दैट डू नॉट फॉलो द स्टैंडर्ड रूल्स। अब स्टैंडर्ड रूल्स क्या है, ईयर लगा दो या फिर मोर लगा दो तो आपका कंपेरेटिव डिग्री में काम आ जाता था। ई एस टी लगा दो जैसे फास्टेस्ट, और उसमें मोस्ट लगा दो ना, मोस्ट डेंजरस मोस्ट एक्साइटिंग, तो वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर देता था। अब यहाँ पर कुछ इरेगुलर कंपेरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स फॉर्म है जो आपको जानना जरूरी है। दीज मस्ट बी मेमोराइज एज दे डू नॉट कंफर्म टू टिपिकल ई आर ई एस टी मोर मोस्ट पैटर्न, है ना। जो पैटर्न हमने अभी तक देखा है ई आर ई एस टी लगा के या फिर मोस्ट या मोर लगा के, वो उस फॉर्म को फॉलो नहीं करता है, थोड़ा हट के फॉलो करता है। तो ये आपको मेमोराइज करना जरूरी है, क्या है ये इरेगुलर फॉर्म्स, ये है गुड बेटर बेस्ट, है ना। पहले क्या होता था, फास्ट फास्टर फास्टेस्ट, है ना। फास्ट में ई आर लगा दो फास्टर, तो कंपेरिजन करेगा दो नाउन के बीच में। फास्टेस्ट लगा दो तो दो से ज्यादा नाउन्स के बीच में कंपेरिजन करता था। लेकिन इरेगुलर एडजेक्टिव्स में क्या होता है कि हम लोग ER या EST लगाते हैं। यहाँ पे अगर गुड है, मान लीजिए गुड जो है एक क्वालिटी की अच्छा आदमी है, बेटर ये बेहतर आदमी है, मतलब उसमें दो आदमी से बेहतर ये है, बेस्ट मतलब कई लोगों में से बेहतर है ये। जैसे बोलते हैं ना कि राम इज अ गुड स्टूडेंट, ऐसे बोल दिया, राम एक अच्छा विद्यार्थी है। फिर बोलते हैं कि राम इज बेटर स्टूडेंट देन श्याम, राम जो है श्याम से बेटर विद्यार्थी है। फिर बोलते हैं राम इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, राम जो है सबसे बढ़िया स्टूडेंट है, सबसे बढ़िया विद्यार्थी है इस पूरे क्लास में। तो इस तरीके से होता था यहाँ पे इरेगुलर एडजेक्टिव, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से यूज होता है। माफ़ कीजिए, थोड़ी सी तबीयत मेरी डाउन है तो हो सकता है कि थोड़ा सा मेरे बोलने के तरीके में बदलाव आया हो, ठीक है। उसी तरीके से हमारा होता है बैड वर्स वर्स्ट, इसको आपको याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिक फॉर्म्स जो है, बेसिक रूल्स उसको फॉलो नहीं करता है। लिटिल लेस लीस्ट, लीस्ट मतलब एकदम कम, सबसे कम सबसे कम, मैनी मोर मोस्ट, इस तरीके से हमारा यूज होता है। तो ये था हमारा पॉजिटिव कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, है ना, जो कि हम यूज करते हैं अपने कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स में। अब क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, एक छोटी सी शायरी मैं आपको सुनाना चाहूँगा ताकि आप थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओ, है ना, पढ़ते पढ़ते मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो कुछ इस तरीके से है, कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते, कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही ना चले। मतलब इतना रिपीटेटिव आपको ट्राई करते रहना है कि आप कब जीत जाओ आपको पता भी नहीं चले। That means you need to try again and again, again and again, such that when you win, you will not feel like, okay, I have achieved something, I have done something. It's like
इट वुड बी वेरी रेगुलर टू यू, आपके लिए एकदम सामान्य बात हो जाएगी, यार जीत गया कोई बात नहीं, कोशिश कर। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो कोशिश करना होता है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक छोटा सा इंफोटेनमेंट है ना, जो कि हमारा यूज होता है रेगुलर लाइफ में, वो कैसे यूज करते हैं कंपेरिजन। अब यहां पे ये आदमी क्या बोल रहे हैं कि आई एम बेटर देन यू, ठीक है, तो यहां पर भी क्या हो रहा है, कंपेरिजन हो रहा है ना, गुड बेटर बेस्ट, मतलब मैं आपसे बेहतर हूं इस तरीके से। तो अब बारी है क्विज की, जहां पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आपको आंसर करना है कमेंट में ए बी सी या डी, कौन सा आपको लगता है कि सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन है दिस एप्पल इज स्वीटर देन दैट वन, यहां पे आपको बताना है विच डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, कौन सी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज हुई है इस सेंटेंस में। द एप्पल इज स्वीटर देन दैट वन, ए पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव या नन, है ना। अब एक चीज यहां पे नोटिस कीजिए, हिंट दे देता हूं छोटा सा, ईआर लगाते हैं या फिर मोर लगाते हैं जब हम कंपेरिजन कर रहे होते हैं टू नाउन्स के बीच में। अब आपको बताना है, ठीक है, कि ये कौन सा है, कंपेरेटिव है, सुपरलेटिव है या फिर पॉजिटिव है, ए बी या सी। दो सेकेंड है आपके पास, टिक टिक वन, टिक टिक टू, और सही आंसर है कंपेरेटिव। क्यों भाई, दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं और दो चीजों के बारे में कंपेयर कर रहे हैं कि दिस एप्पल इज स्वीटर देन दैट वन, है ना, तो यहां पे कंपेरेटिव डिग्री का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है हाउ इज द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव यूजुअली फॉर्म्ड, कैसे फॉर्म होता है कंपेरेटिव डिग्री, एडिंग ईएसटी, बाई एडिंग ईआर, बाई एडिंग एलवाई और बाई एडिंग आईएनजी। दो सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से कमेंट में कीजिए कमेंट की कौन सा आपको लगता है ऑप्शन सही है, ए बी सी या डी। ठीक है, दो सेकंड है, टिक टिक वन, टिक टिक टू, सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, बाय एडिंग ईआर। मैंने पहले ही बताया था आपको पहले वाले क्वेश्चन में कि ईआर लगा के या फिर मोर लगा के, हम एडजेक्टिव से पहले मोर लगा के, जैसे बोलते हैं ना कि दिस इज मोर डेंजरस देन दैट वर्क, ऐसे ही This is better than that, or that person is better than that person. You know, that person is better than Mohan, that person is better than Sohan and whatever. So, इस तरीके से हम comparison करते हैं, और जब भी हम superlative degree की बात करते हैं तो EST लगाते हैं ना, कि he is the fastest runner and he is the smartest kid among all the kids who are there. And जब हम comparison करते हैं दो या दो से ज़्यादा students के बीच में, तो कुछ इस तरीके से हमारा positive, सुपरलेटिव और कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज होता है। थैंक यू सो मच, आप अभी जाके हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, स्किलियन लैब, SKILLIAN, स्किलियन लैब लिखना है आपको और वो डाउनलोड करना है। क्यों डाउनलोड करना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं जो आपको हेल्प करेगा इंग्लिश प्रैक्टिस करने में, पढ़ने से सुनने से वीडियोस को कुछ नहीं होगा, आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, उसको यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके आप फ्राटेदार इंग्लिश बोलना शुरू करोगे। तो मैं होप करता हूँ कि आप जाके ये काम कर लोगे, हमारे वेबसाइट पे भी जाके रजिस्टर कर लीजिए जहाँ पे हम फ्री रिसोर्सेस आपको अवेलेबल करवाने वाले हैं इन 101 दिनों के वीडियोस में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।